Hello friends, welcome to Pratibimb Academy. So in this video, we will discuss about the unit 10 of MPPSC prelim through MCQs. So अगर आप वीडियो में आप इस चैनल में नए हैं पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें. Okay, so we will start. The first question is, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया. दैट मीन्स वेन वॉज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब कॉन्स्टिट्यूटिव. तो जो इसका आंसर है वो क्या है, 19 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया. इसके बारे में हम कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें भी जान लेते हैं. हमारा ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, मतलब कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, ये एक क्या है, यह एक कंस्टिट्यूशनल बॉडी है. दैट मीन्स एक संवैधानिक निकाय है. आपको पता होना चाहिए संवैधानिक निकाय क्या होता है, मतलब कंस्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है और सांवैधानिक निकाय क्या होता है, दैट मीन्स स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होती है. तो मैं आपको बताती हूँ, कंस्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जिसके बारे में हमें कंस्टिट्यूशन में मिलता है, या तो अमेंडमेंट करके उसे शामिल किया जाता है या तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से होता है. अगर कोई भी बॉडी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी. और अगर उसे किसी भी बॉडी को अगर किसी एक्ट के थ्रू बनाया जाता है तो वो स्टैच्यूटरी बॉडी, मतलब सांविधिक निकाय होगी. ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. अब बात करते हैं कि NCST मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है, आपको पता चल गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पर इसका जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ है, 19 फरवरी 2004 को हुआ है. ठीक है, अब बात आती है कि इसमें मेंबर कौन कौन से होते हैं. तो इसमें एक मेंबर होता है जो होता है चेयरमैन, मतलब टोटल इसमें 5 मेंबर होते हैं. एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है और 3 मेंबर्स होते हैं. अब बात आती है कि इनका जो इनमें जो मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है. तो इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट. ठीक है, अगर बात करें कि इन और इसका जो टेनर होता है, मतलब इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने समय का होता है, तो इनका जो कार्यकाल होता है वो डिसाइड नहीं होता है पहले से. इसे क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं, जो इनका अपॉइंटमेंट करते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि ये कितने टाइम तक अपने पद पर रहेंगे. लेकिन नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि इनका जो टेनर है, जो इनका कार्यकाल है, वो 3 ईयर का होगा. ठीक है, और आर्टिकल के जो आर्टिकल नंबर हमारा 338 क्लॉज ए है, उसमें हमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में मिलता है, मेंशन है. ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछे कि NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है, तो दैट इज इन दी 338 क्लॉज ए में है. ठीक है, अगर हम बात करें इसके फर्स्ट चेयरमैन की, तो इसके जो फर्स्ट चेयरमैन है वो कौन है, तो इनके फर्स्ट चेयरमैन है कुंवर सिंह. ठीक है, कुंवर सिंह टेकाम. और इनके जो अभी के चेयरमैन है वो कौन है, नंद कुमार साईं. अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर जो है NCST का वो दिल्ली में है. मैं आपको इतनी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि जैसे जब भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा मैं उसके बारे में सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि आप जब आप वीडियो के लास्ट तक पहुँचे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाए. और आप एक से दो बार जब इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC. तो इसकी जो इसमें जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो सदस्य की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है. ठीक है, कौन करता है, प्रेसिडेंट. और इसमें कितने मेंबर होते हैं ये भी जान लेना चाहिए. तो इसमें टोटल 13 मेंबर होते हैं. आप लोग चाहें तो इसे नोट्स में लिख सकते हैं. ठीक है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में टोटल 13 मेंबर होते हैं, जिसमें एक चेयरमैन होता है, 5 मेंबर्स होते हैं और 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं. अब बात आती है कि एक्स ऑफिशियो मेंबर क्या होते हैं, जो बाय डिफॉल्ट जो मेंबर्स अपने बाय डिफॉल्ट नियुक्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर. ठीक है, अगर हम बात करें NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन,
की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो कब हुई थी, तो ये 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। और ये बात आपको सारे आयोग में याद रखना है कि हर आयोग के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैचुअरी बॉडी है। तो जो हमारा NHRC है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, वो एक स्टैचुअरी बॉडी है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की, जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, दैट इज NS Rao। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये भी एक स्टैचुअरी बॉडी है, और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 11 फरवरी 1964 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये 3 मेंबर बॉडी है, मतलब इसमें एक चेयरमैन होता है और 2 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और इनके मेंबर्स की नियुक्ति कौन करता है, NS Rao। और इसमें क्या पूछा था कि पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले पूछा है तो पहले कौन थे, NS Rao। अब जब इसने पहला पूछा है तो हो सकता है एग्जाम में क्या पूछ ले कि अभी प्रेजेंट में कौन है, तो प्रेजेंट में जो इसके चेयरमैन है वो है संजय कोठारी। और अगर इसका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन केंद्रीय सतर्कता आयोग का अगर आपसे पूछ ले कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन मेट 3 मेंबर फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसको पहली बार 3 सदस्यीय कब बनाया गया। मतलब जब हमारा निर्वाचन आयोग बना था तो वो क्या था, वो एक मेंबर बॉडी थी, मतलब सिर्फ उसमें इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होता था, लेकिन 1989 का जब अमेंडमेंट हुआ तो उसको 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, यही पूछा था कि फर्स्ट टाइम उसको 3 मेंबर बॉडी कब बनाया गया, तो आपका आंसर होगा 1989 में। ठीक है, तो अभी आपको पता है इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर हैं, अभी टोटल 3 मेंबर होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो सुकुमार सेन थे, और जो अभी प्रेजेंट में 24th नंबर के CEC है, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो कौन है, वो है हमारे सुशील चंद्र। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं, तो आंसर क्या होगा, जनता द्वारा प्रतिनिधि चिन्ह, इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बाय द पीपल, मतलब जब जनता अपने द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है डायरेक्टली, तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। जैसे हम लोग जाकर करते हैं, जैसे जब होता है विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, तो हम लोग जाके वोटिंग करते हैं, डायरेक्ट जनता जाके वोटिंग करती है, तो ऐसे चुनाव जिसमें जनता जाके अपना प्रतिनिधि चुनती है, दैट इज नोन एज प्रत्यक्ष निर्वाचन और डायरेक्ट इलेक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है, द इलेक्ट्रोल सिस्टम ऑफ इंडिया इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, मतलब जो हमारे इंडिया का इलेक्ट्रोरल सिस्टम है, निर्वाचन पद्धति है, वो कौन सी कंट्री से मैच करता है, तो ये मैच करता है ब्रिटेन से, यूके से। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है, मतलब नीति आयोग है, अब ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन हम इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे आयोग से रिलेटेड है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो नीति आयोग ने हाल ही में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी, दैट मीन्स पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस नाम का जो एक श्वेत पत्र व्हाइट पेपर रिलीज किया है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है विजन 2035। ठीक है, तो ये है हमारा श्वेत पत्र, जो किसने जारी किया है, नीति आयोग ने जारी किया है। अब नीति आयोग के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर नीति आयोग क्या है, किस तरीके की बॉडी है। तो नीति आयोग जो है हमारी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एक कार्यकारी निकाय है। ठीक है, जिसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ। ठीक है, इसमें जो मेंबर्स होते हैं
इसमें एक चेयरमैन होता है और मैक्सिमम इसमें 48 मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। इसका जो चेयरमैन थे, फर्स्ट चेयरमैन थे, वो नरेंद्र मोदी थे। अगर पूछ लिया जाए कि अभी चेयरमैन कौन है, तो अभी के चेयरमैन भी नरेंद्र मोदी जी ही हैं। और इसका अगर हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए कि नीति आयोग के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, मींस वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। हमने क्या डिस्कस किया कि चेयरमैन कौन थे नीति आयोग के, तो कौन थे, पीएम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले भी थे वही, करंट भी वही है, लेकिन आपका क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछ रहे हो फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, फर्स्ट पूछ रहा है, लेकिन कौन वाइस चेयरमैन, तो वो कौन थे, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष को किसका दर्जा प्राप्त है, मतलब जो नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब है उसके जो अध्यक्ष होते हैं, उनका जो दर्जा है वो किसके इक्वल होता है, तो वो होता है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के इक्वल दर्जा उनको प्राप्त होता है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय निर्वाचन आयोग को स्थापित किया गया था, ठीक है। तो क्या भारतीय निर्वाचन आयोग को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू वो किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर इनमें से क्या होगा, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नो, 74 संविधान संशोधन, नहीं, 73, नो, बिकॉज द आंसर इज 1989 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसे स्थापित किया गया था, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अब हम बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने के लिए उत्तरदायी कौन होता है, मतलब जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो किसके चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायत और नगर परिषद, मतलब कि पंचायत के जो चुनाव होते हैं और नगर परिषद या नगर म्युनिसिपैलिटीज के जो चुनाव होते हैं वो हमारा कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग। तो देखो, स्टेट इलेक्शन कमीशन इसे बोला जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग को, हम इसमें बात करेंगे एमपी के राज्य निर्वाचन आयोग की, क्योंकि सबका जो राज्य निर्वाचन आयोग है उनकी बहुत सारी चीजें जो है वो राज्य पे डिपेंड करती है कि किस राज्य की बात हो रही है। तो अभी हम एमपी की बात में पढ़ रहे हैं, तो हम स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ एमपी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1 फरवरी 1994 में हुआ था। जब अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो उसमें जो मेंबर्स होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है, उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन जब हम स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है, उसको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। और आपको ये याद रखना है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो तो 3 मेंबर बॉडी हो गई है, ठीक है, 1989 के अमेंडमेंट के बाद, लेकिन जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन है एमपी का, उसमें अभी भी कितने मेंबर्स हैं, 1 मेंबर बॉडी है, सिंगल मेंबर बॉडी, ये आपको याद रखना है। और इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं आप लिख लीजिए, 243 के, जिसमें हमारे पंचायत के इलेक्शन की बात होती है, और 243 ZA, जिसमें म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन की बात होती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारा जो PSC वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ MP है, इसमें जो के जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे, तो इनके फर्स्ट चेयरमैन थे NB लोहानी। और अगर हम बात करें प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, तो बसंत प्रताप सिंह है, ठीक है। अगर इसका हम बात करें हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ MP का, आप गैस कर सकते हो, वो है भोपाल, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग का दर्जा किसके समकक्ष होता है, ठीक है। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष का दर्जा, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष का दर्जा क्या है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर। और अगर हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग, तो मतलब स्टेटस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है
जज ऑफ द हाई कोर्ट, अगर यहीं पे पूछ लेता कि स्टेटस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज इक्वल टू, तो आप लगाते जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इंडिया की बात हो तो सुप्रीम कोर्ट के बराबर, स्टेट की बात हो तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। ठीक है, नाउ वी मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फंक्शन ऑफ द ACI इज करेक्ट, तो ACI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्य कौन कौन से हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो आप एक एक करके पहले आप पढ़ लेते हैं कि मतलब ऑप्शन क्या है। तो यह केवल संसद के चुनाव का अधीक्षक नियंत्रण और निर्देशन करता है। इट प्रिपेयर्स, तो देखो पहला क्या दिया है, इट सुप्रिंटेंड कंट्रोल एंड डायरेक्ट द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट ओनली। अगर ये यहाँ पे ओनली नहीं लिखा, सॉरी गाइस, अगर देखिए ये यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो है, अगर इसमें ये ओनली नहीं लिखता तो ये कोई ऑप्शन भी सही होता, क्योंकि वो करता है, वो क्या कर, निर्देशन करता है, कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है पार्लियामेंट के इलेक्शन को, ये सही बात है। लेकिन इसने क्या किया, ओनली लगा दिया। ओनली लगा दिया मतलब ये कह रहा सिर्फ ये काम करता है, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। अब दूसरी स्टेटमेंट कह रही है इट प्रिपेयर्स इपिक, ठीक है, तो इपिक तो ये तैयार करता है। ठीक है, जो आप वोटर आईडी लेते हो उसमें आप देखोगे उसमें लिखा होता है इलेक्ट्रॉल इलेक्ट्रॉल करके, आपको एक स्टेटमेंट दिखती है, वो इपिक होता है। ये आपको प्रिपेयर करता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इलेक्शन का शेड्यूल डिसाइड करता है, ये भी सही बात है। दिस कमीशन नॉट हैव एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, तो इसके पास तो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो ओनली बी और सी करेक्ट है। ठीक है, अब बात आती है ECI कंडक्ट इलेक्शन से, जो चुनाव आयोग है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, क्योंकि हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ MP है वो तो कब फॉर्म हुआ है, 1 नवंबर 1994 में। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो अपने इलेक्शन कब से करा रहा है, तो ये फॉर्म हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और इसने अपने इलेक्शन कराना स्टार्ट किया 1952 से, मतलब फॉर्म होने के 2 साल बाद से, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि द वर्ड व्हाट इज नॉट यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ जज कैग सीसी, मतलब कैग का रिमूवल होता है, सीसी का रिमूवल होता है, जज का रिमूवल होता है, लेकिन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो उनके रिमूवल के लिए यूज नहीं होता है। तो आपको याद रखना है इम्पीचमेंट, दैट मीन्स महाभियोग। महाभियोग जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ प्रेसिडेंट के रिमूवल के टाइम ही यूज होता है, अदरवाइज वो किसी के लिए यूज नहीं होता है। सो इम्पीचमेंट मीन्स प्रेसिडेंट के लिए यूज होगा, अदरवाइज किसी के लिए नहीं होगा। ठीक है, अब बाकी जैसे मिसबिहेवियर हो गया, इनकैपेसिटी हो गया, ये सारे वर्ड यूज करते हैं हम जब हम कैग का सीसी का रिमूवल करते हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है तब बस वर्ड यूज होता है इम्पीचमेंट। ठीक है, आई थिंक यू आर क्लियर विद इट। ओके, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्तमान समय में राष्ट्रीय सूचना आयोग की संरचना क्या है, संरचना मतलब कितने सदस्य, कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एट प्रेजेंट टाइम। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात आ गई, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक स्टैचुरी बॉडी है। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को इसको बनाया गया था, कब बनाया गया था, 12 अक्टूबर 2005 को। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने मेंबर्स होते हैं प्रेजेंट टाइम पे, ना प्रेजेंट में कितने हैं, तो प्रेजेंट में इसमें 1 चेयरमैन है और 6 मेंबर है, मतलब टोटल 7 मेंबर है। एक सेकेंड गाइस, पानी पी लीजिए। देखिए जो हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसमें पहले आपसे पूछ रहे हैं कितने मेंबर है प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में उसमें 1 चेयरमैन है, 6 मेंबर है, मतलब टोटल कितने सदस्य हुए उसमें, 7 सदस्य हो गए। लेकिन अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ उसकी देखी जाए तो मैक्सिमम उसमें 11 मेंबर हो सकते हैं, 1 चेयरमैन प्लस 10 मेंबर हो सकते हैं।
ठीक है, लेकिन इसमें आपको मेंशन किया है प्रेजेंट टाइम का पूछा है, तो प्रेजेंट में अभी इसमें 6 मेंबर और एक चेयरमैन, मतलब टोटल 7 मेंबर हैं। ठीक है, सीसी के बारे में आपको, सीआईसी है ना, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो आपको इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखना है कि हाँ 7 मेंबर बॉडी है फिलहाल प्रेजेंट में, और ये एक स्टैचुअरी बॉडी मतलब सांविधिक निकाय है। ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट का आपको याद रखना है कि 12 अक्टूबर 2005 को हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसका जो फर्स्ट चेयरमैन है वो कौन थे, तो जस्टिस आर एन प्रसाद। अभी के कौन है, तो अभी के हैं भगवान लाल साहनी। ठीक है, भगवान लाल साहनी अभी के हैं, और जो फर्स्ट चेयरमैन थे एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वो थे आर एन प्रसाद, जस्टिस आर एन प्रसाद। और अभी के कौन है, भगवान लाल साहनी, याद रखना है आपको भगवान लाल साहनी, आर्टिकल नंबर 338 क्लॉज बी, आर्टिकल नंबर 338 क्लॉज बी। आपको ये बार बार इसलिए रिमाइंड करा रही हूँ, बार बार एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए बता रही हूँ कि इससे जुड़ा हुआ आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो आपको याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिमूव द मेंबर ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन। अब नेशनल वुमेन कमीशन के मेंबर को कौन रिमूव करता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपॉइंट कौन करता है भाई। ठीक है, और जो हमारी जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है जिसे NCW शॉर्ट में बोलते हैं, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस टाइप की बॉडी है, तो ये एक स्टैचुअरी बॉडी है, दैट मीन सांविधिक निकाय। ठीक है, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1992 में हुआ था, क्योंकि इसके इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है आपसे, ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से सबसे पुराना निकाय कौन सा है, उसमें ऑप्शन दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा बॉडी कब फॉर्म हुआ है। तो हमारे जो वुमेन कमीशन है, नेशनल वुमेन कमीशन, वो 31 जनवरी 1992 को बना है। इसमें जो है जो सदस्य होते हैं उनके अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और रिमूवल भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि रिमूवल ऑफ द मेंबर ऑफ द नेशनल वुमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है, तो कौन हटा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके मेंबर कितने होते हैं, तो अभी फिलहाल इसमें एक चेयरमैन है, एक सेक्रेटरी है, 5 मेंबर होते हैं, यही इसका कंपोजिशन है। कभी भी पूछे कितने मेंबर होते हैं, 7 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है, एक सेक्रेटरी होता है और 5 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ हो सकता है, दिल्ली में है। ठीक है, नेशनल जो भी कमीशन्स हैं उनके मोस्टली जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं वो दिल्ली में है, स्टेट का है तो वो भोपाल में है, और अगर बात करें पीएससी में तो बस एमपीपीएससी का बस एक जो कमीशन है, एमपीपीएससी कमीशन बस इंदौर में है, बाकी जब भी हम स्टेट की बात करेंगे तो वो भोपाल में होगा, जब भी हम नेशनल बात करेंगे तो दिल्ली में होगा। ठीक है, आई थिंक यू आर क्लियर विद इट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमपी मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। ठीक है, अभी हमने पढ़ा एनएचआरसी, अब क्या है एसएचआरसी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ एमपी, एमपी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, एमपी मानवाधिकार आयोग, इसका गठन कब हुआ, तो मैंने क्या बताया, ये कौन सी बॉडी होगी, जब एनएचआरसी एक स्टैचुअरी बॉडी है उससे भी किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया, कौन से एक्ट के थ्रू, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993, उसी तरह जो हमारा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसे भी कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया, तो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 के उसमें बनाया गया। ठीक है, और इसका जो गठन है वो कब हुआ, 13 सितंबर 1995 में किया गया। क्वेश्चन यही था कि गठन कब हुआ है एमपी मानवाधिकार आयोग का, एमपी ह्यूमन राइट कमीशन का, तो ये हुआ है हमारा 13 सितंबर 1995 में। ठीक है, कैसी बॉडी है, तो स्टैचुअरी बॉडी है। अपॉइंटमेंट कौन करता है सदस्यों की, गवर्नर करता है, रिमूवल कौन करता है, ये याद रखना है, भले ही अपॉइंटमेंट गवर्नर कर रहा है लेकिन रिमूवल कौन करेगा, रिमूवल हमेशा प्रेसिडेंट करेंगे। कितने मेंबर बॉडी है, तो 3 मेंबर बॉडी है, एक चेयरमैन रहेगा और 2 मेंबर्स हैं। आप लोग नोट्स बनाओ तो आप लोगों को वो रिवाइज करने में भी इजी होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो हमारा एमपी एन
एसएचआरसी बोर्ड आयोग है, उसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे, तो वो हबीबुल्ला थे, और जो अभी प्रेजेंट के चेयरमैन है वो कौन है, नरेंद्र कुमार जैन है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ होगा? अब देखो बात आई है एमपी की, स्टेट की, तो मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, भोपाल में। ठीक है, अब बात करते हैं महालेखा परीक्षक कर्तव्य सेवा शक्तियां किस अधिनियम के तहत बताया गया है। द ऑडिटर जनरल ड्यूटीज सर्विस पावर्स एंड मेंशन अंडर विच है, जो हमारा वो होता है कैग, कैग का नाम सुने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उसकी जो ड्यूटीज होती हैं, उसकी जो सर्विसेज होती हैं, उसके जो पावर्स होते हैं, वो किस एक्ट के थ्रू डिफाइन किए गए, किस एक्ट के अंडर में डिफाइन किए गए हैं। तो वो डिफाइन किए गए 1971 के एक्ट के अंदर। कैग की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो कैग का जो फुल फॉर्म होता है वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, अगर बात करें इसकी एस्टेब्लिशमेंट की, तो 26 जनवरी 1950 को इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। मतलब कैग बना हमारा 1924 में था, लेकिन कैग का जो एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब कैग को कॉन्स्टिट्यूशन में कब शामिल किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉर्म हुआ 26 जनवरी 1950 को, लागू हुआ उसी टाइम पे कैग को उसमें शामिल किया गया। लेकिन अगर फॉर्मेशन की बात करें तो हमारा कैग तो 1924 में ही बन गया था अंग्रेजों के टाइम पे। ठीक है, तो ये याद रखना है। लेकिन एग्जाम में आपसे इसका जब फॉर्मेशन पूछेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में कब शामिल किया गया इसके अकॉर्डिंग पूछेगा, तो आपको लगाना है क्या, 26 जनवरी 1950। ठीक है, कैग के बारे में अगर हम बात करें कि कैग कॉन्स्टिट्यूशन में कितने नंबर आर्टिकल से कितने नंबर आर्टिकल तक इसमें के बारे में लिखा है, तो आर्टिकल नंबर 148 से आर्टिकल नंबर 151 में हमको कैग के बारे में सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एमपी लोक सेवा आयोग, जिसका आप पेपर देने जा रहे हैं। तो व्हेन वाज द फर्स्ट एग्जाम कंडक्टेड बाय द एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीपीएससी जो है उसने अपना जो पहला एग्जाम था वो कब कंडक्ट कराया था, तो आजादी के 11 साल बाद 1947 में हमको क्या मिला, आजादी। तो 1957 में 10 साल हुए, तो आपको याद रखना कि आजादी के 11वें साल पे हमारे पीएससी ने पहला एग्जाम कंडक्ट कराया था। ठीक है, 1958 में। ठीक है, अब बात आती है जो हमारा एमपीपीएससी है, ठीक है, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो एमपीपीएससी का एस्टेब्लिशमेंट 1 नवंबर 1956 को हुआ था, जब हमारे एमपी बना उसी टाइम एमपीपीएससी बना। ठीक है, और जब एमपीपीएससी बना, हमारा एमपी बना, उसके 2 साल बाद हमारे एमपीपीएससी ने अपना पहला एग्जाम कंडक्ट कराया था। तो ये तो आप जनरल नॉलेज के लिए याद रखो। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, इलेक्शन सिस्टम जो है हमारे इंडिया का, तो उसका कौन सा इनमें से फीचर नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए, यूपीएससी में भी काम आते हैं और आपका थोड़ा सा नॉलेज भी बढ़ता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब कि 18 प्लस ही वोट करेंगे, तो क्या इलेक्शन सिस्टम है इंडिया का कि 18 प्लस वाले ही वोट करेंगे, आई थिंक है, तभी तो हम सब वोट करने जाते हैं 18 प्लस। ठीक है, सीक्रेट वोटिंग, हाँ होती है ना, जब हमारे प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो उसमें सीक्रेट वोटिंग भी होती है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर फॉर द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व होती हैं, ये भी क्लियर है। ठीक है, अब बात आती है कम्युनल इलेक्टोरेट, ये जो है सांप्रदायिक मतदाता, मतलब जाति के आधार पर क्या वोट होता है, अलग अलग जाति वाले अलग अलग वोटिंग करने जाते हैं, नहीं ऐसा हमारे इंडिया में नहीं है, कम्युनल इलेक्टोरेट नहीं है। ठीक है, ये कब था, 1919 में था अंग्रेजों के टाइम पे, तो उसको रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, अभी जब हमारे इंडिया में बात हो तो हमारे इंडिया में कम्युनल इलेक्टोरेट मतलब सांप्रदायिक मतदाता नहीं मान्य है। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद इट।
नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. ठीक है, मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय, जो चुनाव आयोग के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है. तो मैंने बताया था कि जो अपॉइंटमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर का, तो वो प्रेसिडेंट करता है. अगर हम स्टेट की बात करें तो अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है. लेकिन रिमूवल जो होता है, रिमूवल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में तो प्रेसिडेंट करता है. और जब हम स्टेट की बात करते हैं कि स्टेट में रिमूवल कौन करता है, तो अगर रजिस्ट्रेशन देना है, मतलब अगर कोई सदस्य है उसका टेनर मतलब कार्यकाल पूरा हो गया है तो वो रिजाइन करता है, तो आप वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है, गवर्नर को देता है. लेकिन अगर हम बात करें कि अगर मान लो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन में अगर कोई किसी मिसबिहेवियर के कारण उसको निकाला जाना है, तो ये काम कौन करेगा, रिमूवल कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे. ठीक है, क्लियर विद इट. अगर आपको कोई डाउट हो बीच में कहीं पे भी तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, जल्दी से जल्दी आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा. ओके, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है. तो चुनाव आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नियुक्ति कौन करेगा, भारत के राष्ट्रपति. नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015. ठीक है, अब इसको क्या बताना है, नीति आयोग के चेयरमैन आपको पता है कौन है, पीएम नरेंद्र मोदी. ठीक है, 1 जनवरी 2015 को फॉर्म हुआ. अगर बॉडी पूछ ले तो एग्जीक्यूटिव है, कार्यकारी है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया कि कौन सा कमीशन है जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है. तो आपको याद रखना है, आप जितने भी कमीशन यूनिट 10 में पढ़ोगे उसमें सिर्फ एक ही एक बॉडी है जो कार्यकारी है, एग्जीक्यूटिव है, दैट इज नीति आयोग. हाउ मैनी मेंबर्स आर इन द NHRC, NHRC में कितने मेंबर है, तो मैंने बताया था आपको 13 मेंबर है, एक चेयरमैन, 5 मेंबर, 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर, 1+5+7. ठीक है, आपको ये याद रखना, हाउ मैनी मेंबर आर देयर इन NHRC, दैट इज 13, 1+5+7. ठीक है, एक चेयरमैन, 5 मेंबर, 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर. अब बात करते हैं, व्हेन वाज NGT एस्टैब्लिश. NGT का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. कई बार इसका क्वेश्चन ही पूछ लेता है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है. NGT का फुल फॉर्म क्या है, चार ऑप्शन दे देंगे गलत सलत सब, उसमें से आपको जो लिखना है वो क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. ठीक है, 2018 के एग्जाम में पूछा था NGT का फुल फॉर्म, तो आपको याद रखना है NGT का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. ठीक है, ये एक स्टैचुरी बॉडी है और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 18 अक्टूबर 2010 को. इसके मेंबर को अपॉइंट कौन करता है, तो मेंबर को अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, कैसे करती है, कंसल्ट करती है किससे, CJI से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से. ठीक है, NGT में जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक चेयरमैन होता है, 10 से 20 जुडिशियल मेंबर होते हैं और 10 से 20 स्पेशलाइज्ड मेंबर होते हैं. बाकी इतना डीपली पूछेगा नहीं इससे, लेकिन अब हम बता रहे हैं तो सारे बता देते हैं. ठीक है, इसको बनाया कैसे गया, स्टैचुरी बॉडी है मतलब किसी ना किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग बनाया गया है. तो एक्ट कब आया, हमेशा एक्ट पहले आता है फिर कमीशन फॉर्म होता है. तो NGT का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब आया, 2009 में, और इसको फॉर्मेशन कब हुआ, 2010 में. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद इट. इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो दिल्ली में है, और अभी के जो चेयरमैन है वो कौन है, आदर्श कुमार गोयल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल रिलेटेड टू नेशनल कमीशन फॉर SC जो है शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, वो इनमें से कौन सा अनुच्छेद SC के लिए. ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है, SC के लिए 338, ST के लिए 338A और OBC के लिए क्या 338B. तीनों आप लाइन से याद कर सकते हो, 338, 338A, 338B. 338 किसके लिए है, SC के लिए, NCST. ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, NCST. एस हम बोलते हैं हमेशा SC आया, फिर ST आया, फिर OBC आया, तो SC के लिए पहले आ गया 338,
एसटी बाद में आया तो उसके लिए 338A, उसके बाद ओबीसी आया, ओबीसी उसके बाद आया तो 338B। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कौन सा है, तो हम बताएंगे 338A। ठीक है, एनएसआरसी के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो रघुनाथ मिश्रा थे, और अभी कौन है, अभी कौन है, अरुण कुमार मिश्रा है। ठीक है, पहले कौन थे, रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी रंगनाथ मिश्रा थे, और अभी कौन है, अरुण कुमार मिश्रा है, दोनों मिश्रा है। ठीक है, पहले वाले मिश्रा थे, अभी वाले मिश्रा थे, लेकिन पहले कौन थे, रंगनाथ मिश्रा, अभी कौन है, अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है एनएचआरसी का, दिल्ली में है। कौन सी बॉडी है एनएचआरसी, स्टैचुरी बॉडी है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 12 अक्टूबर 1993 में हुआ। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। कितने मेंबर बॉडी है, 13 मेंबर बॉडी है। कैसे कैसे रहते हैं, एक चेयरमैन, 5 मेंबर, 7 एक्स-ऑफिशियो मेंबर। कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया, तो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 के तहत बनाया गया। इसके बाद इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो 3 ईयर या 3 साल होता है, या 70 एज होती है, मतलब जो भी पहले आ जाए। ठीक है, लिखोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं लिखोगे तो भी अच्छा है, याद तो हो ही जाना है लास्ट तक। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्टेट फूड प्रिजर्वेशन कमीशन इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच एक्ट। देखो स्टेट की जब भी बात हो ना, तो आपको मन में रखना है कि हम कहाँ के, एमपी के, हम कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, एमपी का दे रहे हैं, तो ये एमपी स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, तो एमपी स्टेट फूड प्रिजर्वेशन कमीशन इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच एक्ट। ठीक है, तो इसको बनाया गया है फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत। ठीक है, 2013 में एक एक्ट आया, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ठीक है, उसके तहत इसको बनाया गया, और कब ये फॉर्म हुआ, 21 जुलाई, 21 जुलाई 2017 को इसका फॉर्मेशन हुआ। जो हमारा स्टेट फूड प्रिजर्वेशन कमीशन है वो एक स्टैचुअरी बॉडी है, दैट मीन सांविधिक निकाय है। इसमें जो अपॉइंटमेंट होता है मेंबर का, वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। इसमें एक चेयरमैन होता है, 5 मेंबर होते हैं, और एक सेक्रेटरी रहता है। कार्यकाल क्या होता है मेंबर्स का, 5 साल या 65 ईयर एज। ठीक है, रिमूवल कौन करेगा, अपॉइंट कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। रिमूवल कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। पहले जो चेयरमैन थे वो कौन थे, राजकिशोर स्वान थे। ठीक है, अभी के जो चेयरमैन है वो कौन है, वेरी इजी, राजकिशोर स्वान है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो वो भोपाल में है। लिख लो, आप लोग लिख लो, रिवीजन करने के लिए इजी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट बाय एड्रेसिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी। मतलब कैग को अगर अपनी पोस्ट से रिजाइन करना है, तो वो किसको अपना लेटर देगा, रेजिग्नेशन लेटर, तो कैग के लिए अपॉइंटमेंट का काम और रिमूवल का काम दोनों कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, तो किसको देगा रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तीफा, किसको देगा, प्रेसिडेंट को। द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग कंप्रेसाइज, मतलब नीति आयोग की जो संचालन परिषद है उसमें कौन कौन शामिल होता है, तो देखो नीति आयोग का मैंने बता दिया था, एक चेयरमैन होगा जो मोदी जी हमारे हैं। ठीक है, 48 मेंबर हो सकते हैं, 48 मेंबर में कौन कौन आता है, सारे स्टेट के सीएम आते हैं। ठीक है, जो यूनियन टेरिटरीज है लेकिन जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो लेजिस्लेटिव मतलब विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहाँ पे सीएम होते हैं, मतलब कुछ यूनियन टेरिटरी हमारे दिल्ली और पांडिचेरी में सीएम है, तो जहाँ पे सीएम है तो उस यूनियन टेरिटरी के सीएम, सभी राज्यों के सीएम, उसके बाद दिल्ली और पांडिचेरी के सीएम, उसके बाद जो अलग वो हैं, क्या बोलते हैं उसे, अलग यूनियन टेरिटरी के अनुशासित प्रदेश, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर आ जाएंगे। ठीक है, बस इतने लोग रहते हैं, टोटल 48 मेंबर्स प्लस 1 चेयरमैन होते हैं। तो आपके ऑप्शन में है, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट, यस ट्रू, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पांडिचेरी, ये भी सही है। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अदर यूनियन टेरिटरीज, ये भी सही है। तो ऑल द अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट चीफ इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। ठीक है, स्टेट चीफ इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। ठीक है, इंफॉर्मेशन कमीशन की बात हो रही है, लेकिन किसकी, स्टेट की।
सबसे पहले कौन सी बॉडी है? तो याद रखना है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये एक स्टैचुरी बॉडी है। 4 फरवरी 2006 को इसको बनाया गया था। अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर। ठीक है, तो इसमें मेंबर्स कौन कौन रहते हैं? एक चेयरमैन रहता है, 10 मेंबर रहते हैं। पूछ रहा है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय, राज्य सूचना आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन को आप ऐसे लिख लेना, जो हमारा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है उसमें जो मेंबर्स है उनके अपॉइंट कौन करता है? तो गवर्नर करता है। ठीक है, स्टेट का गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड? नेक्स्ट, जब हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 को फॉर्म हुआ था, इसीलिए 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। ठीक है, इन विच ईयर द इलेक्शन कमीशन वॉज कन्वर्टेड इन टू अ 3 मेंबर्स कमीशन? या आप पहले भी पढ़ चुके हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 3 मेंबर बॉडी कब बनाया गया? जब उसमें 1989 का एक्ट था, अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोटिंग राइट बाय द यूथ एट द एज ऑफ 18 ईयर वॉज एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जनरल इलेक्शन ऑफ, मतलब जो हम 18 वर्ष की आयु में युवाओं द्वारा मतदान का अधिकार जो दिया गया था वो पहली बार आम चुनाव के रूप में कब किया गया? तो ये किया गया था 1989 में ही। ठीक है, 1989 में हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबर बॉडी बन गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उसी टाइम पे जो 18+ वाले जो वोटिंग करने के लिए जो आम चुनाव हुए थे वो भी फर्स्ट टाइम हुए थे उसी टाइम। ठीक है, 1989 में, मतलब 1989 बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है इलेक्शन कमीशन के लिए। अब बात आती है, अंडर विच एक्ट द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वॉज फॉर्म्ड? ठीक है, कंस्टिट्यूट। तो एनजीटी जो है कब फॉर्म हुआ? 2010 में। मैंने बताया था किस एक्ट के थ्रू हुआ, तो एक्ट में आपको याद रखना है कि जब फॉर्म हुआ उससे पहले एक्ट आया होगा। ठीक है, 2010 में फॉर्म हुआ, 2009 में इसका एक्ट आया था। ठीक है, एंड वेन वॉज एनजीटी एस्टैब्लिश्ड? ईयर तो आपने याद कर लिया, अब पूछ लिया इस तरह तो 16 अक्टूबर 2010, 18 अक्टूबर 2010, 17 अक्टूबर 2010, 18 अक्टूबर 2010। तो कब हुआ था? 18 अक्टूबर 2010। आप किसी फ्रेंड का बर्थडे हो तो याद कर उसको दे दो नाम एनजीटी और उसका बर्थडे बना लो 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, 2010 तो आपको याद ही हो जाएगा, 18 अक्टूबर याद रख लेना। ठीक है, स्टेट फूड कमीशन इज हाउ मेनी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन? मतलब जो हमारा स्टेट फूड कमीशन है वो कितने मेंबर बॉडी है? तो वो है 7 मेंबर बॉडी। ठीक है, 7 मेंबर बॉडी में कौन कौन रहता है? एक चेयरमैन रहता है, एक सेक्रेटरी रहता है और 5 मेंबर्स रहते हैं। हेडक्वार्टर भोपाल में है। फॉर्म कब हुआ, इस्टेब्लिश कब हुआ? 21 जुलाई 2017 को। अपॉइंटमेंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, रिमूवल कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। एक्ट कौन सा था? फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, 13 का एक्ट था। और इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 2017 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? अब बोल रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन इनमें से कौन से नहीं थे। ठीक है, अब ये रहता है इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं इसमें आपको पूरी लिस्ट पता होनी चाहिए कि मतलब ये था कि नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन अगर निगेटिव मार्किंग है स्किप कर दो, नहीं है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और लगा दो, या फिर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करो, क्या पता इसी में से क्वेश्चन आ जाए। तो जो हमारे राजीव कुमार थे वो एनजीटी के चेयरमैन नहीं थे, ये आपको याद रखना। अब आपने ये 3 देखे, 4 ऑप्शन है इसमें, लोकेश्वर सिंह पंत है तो ये चेयरमैन थे, ये पता चल गया आपको। स्वतंत्र कुमार है ये भी थे, आदर्श गोयल थे ये भी थे, तो कौन नहीं थे? राजीव कुमार। तो अगर आप ऑप्शन में राजीव कुमार दिखे तो आप पहले उसको लगा देना। ठीक है, और अगर नहीं दिखते हैं तो देखना इन तीनों में से अगर है तो ये तो है ही, इनको नहीं लगाना, इनके अलावा जिनका नाम दे दे वो लगा दीजिएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मध्य प्रदेश बैकवर्ड कमीशन इज इनकरेक्ट? जो हमारा एनसीबीसी, सॉरी एमपीबीसी, ठीक है, मध्य प्रदेश बैकवर्ड कमीशन,
तो उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है पूछ रहा है ना, इनकरेक्ट। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ऑड वन आउट पूछ रहा है, ये याद रखना है, क्योंकि इसी में बहुत बार हम जल्दी जल्दी में लगा देते हैं, और ऑफलाइन एग्जाम है, एक बार जो काला बोला भरा तो फिर उसको कोई नहीं हटा सकता। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। मध्य प्रदेश पिछड़ा आयोग के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, गलत कौन सा है? तो देखिए, MPBC, मध्य प्रदेश पिछड़ा आयोग, इसका गठन 13 मार्च 1993 को हुआ था, ठीक है, ये तो सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है, तो ये बोल रहा है 5 वर्ष होता है, लेकिन ये गलत है। अब इसमें गलत पूछा था तो यही है, क्योंकि इसका कार्यकाल कितना होता है, 3 साल होता है। पहले चेयरमैन कौन थे? बसंत राव थे। ये सही है, ये सही है। और इसकी जो संरचना है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, ये भी सही है, ठीक है। अब बात करते हैं, प्रथम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो वो मनाया जाता है हमारा 7 जून 2019 को। अब बात करते हैं, नियंत्रक या महालेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई, जो हमारा कैग है, कैग बोर्ड, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोर्ड, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो वो हुआ था 1968 में। इसके परीक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1968 में हुई थी। भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षा के कार्य व शक्तियाँ, ये आपसे 2018 के उसमें भी पूछा गया था, कार्य एवं शक्तियाँ किस अनुच्छेद में बताई गई है कैग की, तो वो है आर्टिकल नंबर 149, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये नियुक्ति की जाती है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन? तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के जो फर्स्ट चेयरमैन है वो कौन है? अरविंद कुमार शुक्ला। अरविंद कुमार शुक्ला कौन है? फर्स्ट चेयर, सॉरी, प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग मीन्स स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, याद रखना है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 4 फरवरी 2006 में। अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर। रिमूवल कौन करता है? गवर्नर। टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 11, एक चेयरमैन, 10 मेंबर। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात कर रहे हैं, मतलब MP के, ठीक है। कौन है प्रेजेंट चेयरमैन? अरविंद कुमार शुक्ला। पहले कौन थे? TN श्रीवास्तव। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? भोपाल में, ठीक है। जो इसका कार्यकाल होता है वो कौन डिसाइड करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, नहीं, नॉर्मली 3 ईयर ही होता है, लेकिन अगर बात करें उसकी तो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की नियुक्ति जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। रिमूवल कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। जो हमारी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो कौन है? एक स्टैचुअरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, ठीक है, ये याद रखना। और इसमें टोटल 6-7 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है, एक सेक्रेटरी और 5 मेंबर्स, ठीक है। हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ नीति आयोग? तो नीति आयोग का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? तो नीति आयोग के मेंबर्स का कोई कार्यकाल नहीं होता है, जब तक PM चाहेगा, जब तक उनकी सरकार है तब तक वो लोग रह सकते हैं, ठीक है। बात आती है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह भारतीय लेखा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है, सही है। वह केवल केंद्र सरकार के खाते का लेखा जोखा करता है, मतलब ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मैंने बताया था। ही मेंटेन्स द अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, ओनली लिख दिया मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ओनली नहीं लिखता तो सही हो जाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है? तो कार्य नहीं है नीति आयोग का, तो पहले पता होना चाहिए कार्य क्या क्या। राष्ट्रीय विकास, प्राथमिकता क्षेत्रों और रणनीतियों की एक साझा दृष्टि विकसित करना, मतलब क्या नेशनल डेवलपमेंट के काम करना, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाना, ये उसका काम है, ठीक है। कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म होता है उसको प्रमोट करना, ये भी है। टू गिव फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान, तो आपको पता होना चाहिए नीति आयोग जब आया है तो 5 ईयर प्लान हमारे बंद हो गए थे, तो
अप्रूवल क्यों देगा ये, ठीक है? तो यही गलत स्टेटमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय सूचना आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय सूचना आयोग मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है? ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री, अगर प्रेसिडेंट अकेले नहीं लिखा है, प्रेसिडेंट अकेले लिख दिया है लेकिन प्रेसिडेंट कैसे करता है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक समिति के गठन होता है, फिर उसके बाद उसके में कंसल्टेशन होता है, डिस्कशन होता है, फिर प्रेसिडेंट को जो बोला जाता है तो प्रेसिडेंट करता है. तो ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समिति गठन करती है, इसका आंसर होगा, ठीक है? अंडर हु चेयरमैनशिप द ह्यूमन राइट कमीशन कमिटी वॉज कंसल्टेड इन 1946? किसकी अध्यक्षता में 1946 में मानव अधिकार आयोग समिति का गठन किया गया? तो वो है एलोनोर रूजवेल्ट. राज्य मानव अधिकार आयोग को किस सूची के मामलों पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची. किसमें? तो देखिए, जो राज्य मानव अधिकार है तो राज्य की जो भी चीजें होती हैं उस, तो वो राज्य सूची में और समवर्ती सूची में, वो दोनों पे वो अपना काम कर सकता है. फर्स्ट और थर्ड होगा. अगर राज्य की जगह हो जाता नेशनल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तो वो किसमें करता? वो संघ सूची और समवर्ती सूची में करता. तो ये आपको कॉमन सी चीज याद रखनी है. राज्य की बात है तो राज्य और समवर्ती सूची, सेंट्रल की बात है, राष्ट्र की बात है तो संघ सूची और समवर्ती सूची. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है. कौन नहीं होता है? तो देखिए, जो NHRC है उसकी जो नियुक्ति होती है उस टाइम पे जो सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री तो रहता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी रहता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति नहीं रहता है, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ NHRC? तो NHRC का फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? रंगनाथ मिश्रा, मैंने बताया था. अभी कौन है? अरुण कुमार मिश्रा, दोनों मिश्रा है लेकिन रंगनाथ मिश्रा फर्स्ट थे, ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा राज्य मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो NHRC के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? ये इससे पहले थे नरेंद्र कुमार जैन, इससे पहले थे, अभी कुछ दिन पहले चेंज हो गया है. सॉरी, ये तो राज्य मानवाधिकार आयोग का पूछा है ना. राष्ट्र मानवाधिकार आयोग मतलब जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है. जो हमारे राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके नरेंद्र कुमार जैन है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है. निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, पता है हमें, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज सुप्रीम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? तो नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल है उसी को सुप्रीम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को ही क्या कहते हैं? सुप्रीम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है? उसका चेयरमैन कौन होता है? तो उसका चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर. याद रखिएगा, कनेक्ट करिए, सुप्रीम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को ही सुप्रीम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है. सुप्रीम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो चेयरमैन होगा वो हमारे PM होंगे. मतलब PM की एक समिति होती है, PM की एक काउंसिल होती है जिसको क्या बोलते हैं? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. और वो एक सुप्रीम काउंसिल होती है, दैट इज, इसलिए उसे सुप्रीम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं. और उसके चेयरमैन कौन होते हैं? PM होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्तमान में सुशील चंद्रा की संख्या के मुख्य चुनाव आयुक्त, मतलब कौन से नंबर के इलेक्शन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है? तो 24th नंबर के. 23rd नंबर के कौन थे? सुनील अरोरा. 24th नंबर के कौन है? सुशील चंद्रा, ठीक है, याद रखना. MP स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज इस्टेब्लिश इन विच ईयर? MP का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो कब इस्टेब्लिश हुआ? 1994 में. डेट क्या थी? 1 फरवरी 1994. किस टाइप की बॉडी है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UPSC लोकेटेड? UPSC का कार्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है दिल्ली में.
अगर यूपीएससी की बात आ गई है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यूपीएससी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कब फॉर्म हुई, 1 अक्टूबर 1926 को। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। मेंबर कितने होते हैं? एक चेयरमैन होता है, 10 मेंबर होते हैं, मतलब मैक्सिमम 10 मेंबर हो सकते हैं। प्रेजेंट में कितने हैं? एक चेयरमैन है और 8 मेंबर है, मैक्सिमम हो सकते हैं कि 10 मेंबर हो जाए और एक चेयरमैन रहे। आर्टिकल 315 से 323 में हम यूपीएससी के बारे में बात करते हैं, मतलब आर्टिकल जो 315 से 323 है वो यूपीएससी के बारे में बात करता है। इसमें जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर या 65 ईयर की एज होती है, ठीक है। रिमूवल कौन करेगा? अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहा है, रिमूवल प्रेसिडेंट करेगा। अब देखो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1 अक्टूबर 1926 को हुआ, हमारा देश आजाद था नहीं था, ठीक है। तो उस टाइम पे जो भी हमारे चेयरमैन होंगे वो कौन होगा? एक विदेशी होगा। तो रॉस बार्कर थे इसके फर्स्ट चेयरमैन यूपीएससी के। और जो अभी के चेयरमैन है प्रेजेंट वो कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। हेडक्वार्टर कहाँ है यूपीएससी का? दिल्ली में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नोट्स चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताना, तो मैं इसकी नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। नीति आयोग इज अ बॉडी, किस टाइप की बॉडी है? एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी बॉडी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मेंबर्स आर रिमूव्ड बाय, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो मेंबर हैं, एनजीटी के मेंबर हैं, उनको रिमूव कौन करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, क्योंकि उनको अपॉइंट भी कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कब फॉर्म हुआ था ये? 2010 को, ठीक है। ट्रेनर ऑफ मेंबर ऑफ नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन, अब ये नया आया ना, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन, NCPCR बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ये एक स्टैचुअरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, ठीक है। 5 मार्च 2007 को ये बनाया गया था, ठीक है। कौन सा एक्ट के थ्रू बनाया गया? 2007 में बना है, मतलब एक्ट समझ लो इससे पहले होगा, ठीक है। मतलब 2005 में इसका एक्ट आया था, चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट एक्ट 2005, ठीक है। इसके जो मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर होते हैं? 7 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है, 6 मेंबर्स होते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। रिमूवल कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें जो चेयरमैन होता है और जो मेंबर होता है दोनों के कार्यकाल अलग अलग होते हैं। चेयरमैन का कार्यकाल क्या होता है? 3 ईयर और 65 ईयर एज। जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है? 3 ईयर और 60 एज, 60 साल मेंबर्स के लिए या 3 ईयर, चेयरमैन के लिए 3 ईयर या 65 ईयर एज, ठीक है। पहले चेयरमैन कौन थे इसके NCPCR के? जो पहले चेयरमैन थे वो तो थे शांता सिन्हा, ठीक है। जो अभी है वो कौन है? प्रियंका कानूनगो, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका NCPCR का? तो वो है दिल्ली में, ठीक है। एक्ट कब आया था? 2005 में। इस्टेब्लिशमेंट हुआ 2007 में। अब मेंबर्स का पूछा है ट्रेनर आपसे, ठीक है। तो मेंबर का 3 ईयर और 60 ईयर एज हो जाएगा। अगर चेयरमैन ऑफ पूछ लेता NCPCR के चेयरमैन का कार्यकाल, तो 3 ईयर और 65 ईयर एज हो जाता, ठीक है। याद रखना है, छोटी सी चीज है, काम की। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जयंती पटनायक थी राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष, और अभी प्रेजेंट में कौन है? तो रेखा शर्मा है, याद रखना। देखिए आप, रेखा शर्मा पहला ऑप्शन दे दिया, जो लोग पढ़े हैं अभी प्रेजेंट चेयरमैन, प्रेजेंट चेयरमैन, तो वो जल्दी जल्दी में रेखा शर्मा लगा दिया, काम खत्म। आपको क्या लगाना है? जयंती पटनायक, ठीक है, पहली पूछेगा। और अगर प्रेजेंट पूछेगा तो रेखा शर्मा, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दिल्ली में है। अपॉइंटमेंट और रिमूवल कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती। किस टाइप की बॉडी है? स्टैचुरी बॉडी है, ठीक है। कितने मेंबर्स होते हैं? तो एक चेयरमैन, एक सेक्रेटरी और 5 मेंबर, वुमेन वाले में याद रख लेना। व्हेन वाज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन फॉर्म्ड? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन हुआ 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। 12 अक्टूबर 2005 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज फॉर्म्ड ऑन 12 अक्टूबर 2005। मेंबर्स कितने होंगे? एक चेयरमैन होता है, 6 मेंबर होते हैं, प्रेजेंट में है। मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 11, एक चेयरमैन 10 मेंबर, ठीक है। 12 अक्टूबर 2005 आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन कौन से अनुच्छेद? संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी। कभी कभी हिंदी बड़ी टफ लगती है। यूपीएससी का जो डिस्क्रिप्शन है वो कौन से आर्टिकल में है? तो याद रखना 315 से 323 यूपीएससी का है और 324 से 329 चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया का, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एनजीटी इज, एनजीटी के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो एनजीटी के जो प्रेजेंट चेयरमैन है, एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो कौन है? आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल जो है इसके फर्स्ट चेयरमैन है, सॉरी प्रेजेंट चेयरमैन है आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, किस टाइप की बॉडी है? स्टैचुरी बॉडी है, 18 अक्टूबर 2010 को बनी है। ठीक है, आदर्श कुमार गोयल इसके प्रेजेंट चेयरमैन है। पहले कौन थे? तो पहले थे लोकेश्वर सिंह पंत। ठीक है, पहले पूछेगा तो लोकेश्वर सिंह पंत, अभी के पूछेगा तो आदर्श कुमार गोयल। हेडक्वार्टर कहाँ है एनजीटी का? दिल्ली। नेशनल लगा तो आप आंख बंद करके दिल्ली लगा देना। कंपोजिशन ऑफ एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन इज, एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन में मैंने बताया तो वो क्या है? सिंगल मेंबर बॉडी। जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो भी पहले सिंगल मेंबर बॉडी था, 1989 का अमेंडमेंट हुआ, 3 मेंबर बॉडी बन गया। लेकिन जो हमारा एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो 1 फरवरी 1994 को बना था, वो अभी भी सिंगल मेंबर बॉडी है। ठीक है, किसके वो किसके इलेक्शन कराता है? पंचायत के और नगर पालिका नगर परिषद के इलेक्शन ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? 243K एंड 243ZA। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग में इस्तीफा किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है गवर्नर को। ठीक है, रेजिग्नेशन मैंने बताया था, रिजाइन जब करेंगे तो गवर्नर को देंगे और रिमूवल जब होगा तो वो प्रेसिडेंट करेगा। अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, रिमूवल प्रेसिडेंट करता है, रेजिग्नेशन किसको दिया जाता है? गवर्नर को, याद रखना। अब आउट ऑफ दिस द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वोमेन चेयरपर्सन इज, तो देखो जो पूछा है कैग के इंडिया की वुमेन चेयरपर्सन, मतलब इनमें से कौन भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षा की पहली महिला अध्यक्ष रही? तो पहली महिला अध्यक्ष कोई भी नहीं थी अभी तक, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। भारतीय राज्य संविधान में कैग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? कैग का प्रावधान मैंने बताया था, कैग कितने से कितने में है? तो जो हमारा कैग है वो है हमारा 148 से 151 तक। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसमें से कुछ में नहीं है, तो देखो 148 बस है इसमें, उसके बाद तो देखो 184 है, 244 है, 312, तो ये तीनों तो है ना, किस में है? तो पूछ रहा है तो 148 में है, 151 तक जो भी रहता उन सब में है। ठीक है, महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो महिला आयोग बन कब गया था? 1992 में, उससे पहले ही हुआ होगा। तो अब देखो 1992 के पहले के कौन कौन से हैं, ज्यादा पहले तो रहता नहीं है, तो अगर ऐसे भी सोचोगे तो 1990 लगाकर आ जाओगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट 1990। ठीक है, नेक्स्ट इज, जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद का खाता किस अनुसूची में रखना चाहिए? ठीक है, तो 6th शेड्यूल में रखा जाता है। द अकाउंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल शुड बी कैप्ट इन विच शेड्यूल? 6th शेड्यूल। छठी अनुसूची में जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद का खाता रखा जाता है। नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? तो सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, पीएम। चेयरमैन कौन है नीति आयोग का? प्रधानमंत्री। तो नियुक्ति भी कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उसको मतलब जो किस संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उसको कब मिला? तो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको क्या मिला? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। राज्य सूचना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो राज्य सूचना आयोग के जो पहले अध्यक्ष है वो कौन है? टीएन श्रीवास्तव। ठीक है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है?
तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, रिमूवल कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कैग कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, 26 जनवरी 1950 को हुआ। आर्टिकल कौन से आर्टिकल में इसके बारे में लिखा है, तो 148 से 151 के आर्टिकल में, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। कैग तो है, इलेक्शन कमीशन भी है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ये नहीं है, ठीक है। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है, हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा इनमें प्रदान नहीं किया गया है, तो देखो इलेक्शन कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पब्लिक सर्विस कमीशन ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमारा प्लानिंग कमीशन है वो तो बनाया गया था एक्ट के थ्रू, मतलब प्लानिंग कमीशन जैसे नीति आयोग है वैसे प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, तो ये नहीं आएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल में। फॉर व्हाट पर्पस तारकुंडे कमिटी फॉर्म, तो तारकुंडे कमेटी को फॉर्मेशन क्यों किया गया था, इलेक्शन रिफॉर्म के लिए, ठीक है, चुनाव सुधार के लिए, चुनाव से रिलेटेड है तारकुंडे कमेटी। चुनाव के दौरान चुनाव उम्मीदवारों की संख्या 64 से अधिक होने पर चुनाव आयोग क्या करेगा, तो चुनाव आयोग क्या करेगा, इलेक्शन इन दिस सीट विल बी हेल्ड थ्रू बेल्ट बॉक्स, इस सीट पर होगा चुनाव बेल्ट बॉक्स के माध्यम से। अगर 64 से अधिक हो जाती है उम्मीदवारों की संख्या तो वहां पे जो इलेक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, बेल्ट बॉक्स के माध्यम से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के, जो फर्स्ट फर्स्ट वो थी क्या बोलते हैं, फर्स्ट चेयरमैन, मेल चेयरमैन पूछा, फर्स्ट चेयरमैन तो जयंती पटनायक थी, फर्स्ट मेल मेंबर जो है वो उसके आलोक रावत थे। पब्लिक सर्विस कमीशन रिपोर्ट मेंशन इन विच आर्टिकल, दैट इज 323, इनमें से पूछा है तो 323 में, बाकी आपका 315 से 323 के बीच में इसके बारे में डिस्कशन है, रिपोर्ट का पूछा तो रिपोर्ट 323 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर ऑफ द NHRC कहाँ है, तो दिल्ली में है। हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो वो है जस्टिस HL दत्तू, ठीक है। HL दत्तू जो है जैसे NHRC के जो बोल रहा है करंट चेयरमैन, तो HL दत्तू जो हमारे हैं वो थे, ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंट में वो चेंज हो गए हैं, वो है अरुण कुमार मिश्रा, तो आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। एक्चुअली मैंने ये बनाया था उस टाइम पे ये चेंज नहीं हुए थे, तो यहाँ पे आप लोगों को कर लेना है, ये आपको HL दत्तू नहीं है, अभी कौन हो गया है, HL दत्तू की जगह आपको यहाँ पे लिखना है अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। NHRC की बात हो रही, मैंने आपको बार बार बताया है कि मिश्रा पहले थे, मिश्रा अब भी हो गए, HL दत्तू के बाद हुए हैं अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, तो आप यहाँ अपडेट कर लीजिएगा, मैं लिख देती हूँ। अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, और पहले कौन थे, रघुनाथ मिश्रा, ठीक है। NHRC किस टाइप की बॉडी है, तो ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है, ठीक है। देखो ऑप्शन बोथ 1 और 2, ऐसा कभी हो सकता है कि एक स्टैच्यूरी भी और कॉन्स्टिट्यूशनल भी, या तो स्टैच्यूरी होगी या तो कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, तो ये कौन सी बॉडी है, स्टैच्यूरी बॉडी, ठीक है गाइस। अभी आप कंटिन्यू करना चाहते हो, ठीक है, बात करते हैं। व्हेन वाज द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एस्टैब्लिश्ड, मतलब NCBC की स्थापना कब हुई, तो NCBC की स्थापना आपको याद रखना 14 अगस्त 1993 में हुई, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो नेशनल NHRC के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 6 ईयर और 65 ईयर एज, क्या ये सही है,
गलत है, ठीक है। पहले था ये 6 ईयर और 65 ईयर एज, लेकिन इसमें अमेंडमेंट हो गया है, तो अभी जो है वो है 3 ईयर और 70 ईयर एज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए करेक्ट कर देती हूँ इसको, ये आपका हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, 3 ईयर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 ईयर और 70 ईयर ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो कार्यकाल है वो 3 ईयर या 70 सालों का, पहले था 6 साल या 65 ईयर, ठीक है, तो ये चेंज हो गया है। स्टेट फूड प्रिजर्वेशन कमीशन वॉज क्रिएटेड बाई विच एक्ट, तो 2013 के एक्ट के द्वारा बनाया गया, और इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका कब, तो ये हुआ 2017 में, 21 जुलाई 2017 को बन गया, और एक्ट जो था वो 2013 में आया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, सेकेंड वीडियो में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड अगर आपको लगा हो कि ये इम्पॉर्टेंट है और आपको अगर ये यूजफुल है तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये पसंद आया है या नहीं। पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको ये पसंद आया है और आपको इसके आगे का वीडियो चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करिएगा, और कमेंट में आप बता दीजिएगा कि आपको वीडियो नहीं चाहिए, तो मैं अपनी फालतू में मेहनत क्यों करूँगी। अगर आपको काम नहीं आ रहा है तो फिर मैं नहीं बनाऊँगी, और अगर काम आ रहा है तो मैं इसके लिए और मेहनत करूँगी, और नेक्स्ट जितनी भी यूनिट बची है उन सारे के MCQs लेकर आऊँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल्स में वीडियो लेकर आऊँ तो मैं डिटेल्स में भी ला सकती हूँ। मैंने MCQ फॉर्मेट चूज़ किया क्योंकि मुझे लगा MCQs करने से आपको थोड़ा आइडिया होगा एग्जाम में कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरह से क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए मैंने आपको MCQ फॉर्मेट में बनाना शुरू किया है। अगर आपको लगता है कि आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो आप जैसा बोलोगे मैं वैसा प्रिपेयर करूँगी। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि MCQs फॉर्म में, और आपके लिए अगर ये यूज़फुल है तो भी बताएं, नहीं है यूज़फुल तो भी बताएं, उसी के बेसिस पे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी देखें आप वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और नहीं अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें ताकि मैं अपनी एनर्जी वेस्ट ना करूं, आगे की वीडियो ना बनाऊं, ठीक है। तो थैंक यू गाइज एंड कीप वॉचिंग।